हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेजी स्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये गॉर्जियस एक ब्राउन स्मोकी आई लुक विथ रेड लिपस्टिक। अगर आपको देखना है कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने से। तो फॉर द मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो मॉर्निंग निक्टर मॉइस्चराइज़र। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। एंड देन मैं मार्स के आईब्रो पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड एंड ब्लैक शेड को मिक्स करके अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आज मैं एक स्मोकी लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसीलिए मैं अपने ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ एंड देन एक स्पूली की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। जब भी आप कोई हैवी आई मेकअप करो तो आप ये ध्यान में रखो कि आप अपना आई मेकअप पहले कंप्लीट करो, वरना अगर आप बेस करने के बाद आई मेकअप करोगे तो आपके जो फॉल आउट होंगे वो आपके बेस पे जाके चिपक जाएगा एंड देन क्लीन नहीं होगा। अब मैं अपने आईब्रोज़ को शार्प एंड क्लीन दिखाने के लिए एक कंसीलर यूज़ करूँगी और मैं इसे ही एज अ आई शेडो बेस अप्लाई करूँगी। मैंने इस कंसीलर को लोकल मार्केट से बाय किया है, आप इसकी जगह कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। एंड देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी डैबिंग मोशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होगा उसे ज़रूर हिट करें, इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अब यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। तो कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलिटिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी अपने आई बेस को सेट करने के लिए। अब मैं एक न्यूड शेड ले रही हूँ मॉर्फी द जैकलिन हिल पैलेट में से एंड मैं इसे सिर्फ अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड एंड इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड फिर एक ब्राउन शेड लेके मैं इसे अपने ट्रांजिशन शेड के एग्जैक्ट नीचे इसे अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, हल्का सा नीचे इसे अप्लाई करूँगी। अब मैं एडीएस का ब्राउन जेल लाइनर अप्लाई करूँगी अपने आईलिड पर एज अ आई शेडो बेस एंड देन एक ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। दोनों आईज़ पर सेम तरीके से अप्लाई कर लेंगे एंड देन ब्लेंड कर लेंगे। मैं आपको सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। और मैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज करना है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी डीएम कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपने सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। अब मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आई बेस को ब्लेंड करूँगी स्मोकी इफेक्ट के लिए। डार्क ब्राउन शेड को पहले अच्छे से प्लेस करूँगी, हल्के हाथों से प्लेस करूँगी देन ब्लेंड करूँगी। एक बार में बहुत सारा कलर अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई करूँगी एंड देन ब्लेंड करूँगी जब तक कि इसके एजेस पूरी तरीके से हाइड ना हो जाए। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट दिखा रही हूँ, आप थोड़ा स्लो स्लो करना। एंड अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड देन दो ब्राउन शेड को मिक्स करके मैं काजल को हल्का सा स्मोक आउट कर दूँगी। अब एक पेंसिल ब्रश की मदद से सेम डार्क ब्राउन शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। अब मैं एक आई लैश कर्लर की मदद से अपने लैशेस को कर्ल करूँगी एंड देन मस्कारा के लिए मैं अप्लाई करूँगी मैलियो का हाई इम्पैक्ट मस्कारा। आप चाहो तो आप फॉल्स आई लैशेस भी अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मस्कारा यूज़ करके अपने आई मेकअप को कम्प्लीट करूँगी। अब एक स्मॉल ब्रश की मदद से मैं एक गोल्डन हाइलाइटर को लेके अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। एंड आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है
एंड ये अभी अभी से ही कितना गॉर्जियस लग रहा है। मैंने आई मेकअप से पहले ही अब मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था, तो इसीलिए मैं अभी सीधा सीधा प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो प्राइमर के लिए मैं अप्लाई करूँगी APK का 24K गोल्ड प्राइमर। फाउंडेशन के लिए मैं अप्लाई करूँगी मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 230 नेचुरल बफ। एंड इसे पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करके देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करो अपने नेक पे और ईयर्स पे ज़रूर अप्लाई करो, इस वरना आपके नेक और फेस का कलर अलग लगेगा। एंड बहुत टाइम अच्छे से आप ब्लेंड करो वरना आपका बेस बहुत ज़्यादा पैची लगेगा। एंड अब कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 03 नेचुरल मोएन। आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मोएन या मोयान, आप चेक कर लेना। जो भी हो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसे मैं अपने अंडर आई पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे अप्लाई करूँगी। जिस जिस एरिया को मुझे हाईलाइट दिखाना है मैं उस एरिया पे इसे अप्लाई करूँगी। एंड अब पाउडर की मदद से, अब एक कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी। अभी मैं देखने में बहुत ज़्यादा वाइट चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, आई नो, बट इसी के लिए मैं आज एक बहुत क्रीम कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को, जिससे कि एक बहुत अच्छा डेप्थ मिलेगा स्किन को, सॉरी फेस को। एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। एंड आप अगर क्रीम कॉन्टोर अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्लोली एंड टाइम लेके इसे ब्लेंड करना है, वरना ये नेचुरल तो लगेगा ही नहीं, लगेगा कि आपने अपने फेस पे ड्राइंग किया हुआ है। मैं नोज़ पे उतना हार्ड कॉन्टोर नहीं चाहती, इसीलिए मैं एक स्मॉल ब्रश की मदद से एक ब्राउन आई शेडो से अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। एंड देन मैं SFR कलर का ब्लश पैलेट में से एक कोरल पिंक शेड लेके मैं उसे अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे, चिन पे एंड एज ऑलवेज नोज़ पे अप्लाई करूँगी। इससे एक नेचुरल ब्लश लुक मिलेगा, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है हाइलाइटर। एंड हाइलाइटर के लिए मैं एक लाइट पिंक शेड अप्लाई करूँगी अपने हाइलाइटिंग एरियाज पे, चिक्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पे। और उसके बाद मैं ट्यूबलाइट जैसे चमकूंगी। तो लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये डार्क रेड शेड। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर रेड शेड, ये एक जो रोज़ी रेड होता है ये वैसा ही कुछ कलर है, मुझे इसका नाम नहीं पता। आप इसकी जगह कोई भी एक न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हो, ये इस मेकअप लुक के साथ एक न्यूड शेड भी बहुत अच्छा लगेगा, बट मुझे रेड ट्राई करना था तो इसलिए मैंने रेड लिपस्टिक को ट्राई किया है। नाउ इट्स टाइम टू फिक्स माई मेकअप। फॉर द मेकअप फिक्सर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। तो स्लो मोशन में इसे स्प्रे कर लेते हैं अपने पूरे फेस पे। एंड हेयर इज़ माई फाइनल फिनिशिंग लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।